जिंदगी काली थी, जिंदगी काली थी ना रंगों का ठहराव था, जिंदगी काली थी ना रंगों का ठहराव था, जिंदगी को बचा रखा जिंदगी गिरवी रख कर भी ना चुका पाएंगे हम जिसका कर्जा, माँ ही नहीं भगवान के बराबर गुरु का भी है उतना ही महान दर्जा। किस्सा जिंदगी का कभी शुरू ही ना हुआ होता, किस्सा जिंदगी का कभी शुरू ही ना हुआ होता अगर जिंदगी को जिंदगी बनाने वाला गुरु ना हुआ होता। भगवान को भी भगवान बनने के लिए गुरु का ही ज्ञान काम आया था, भगवान को भी भगवान बनने के लिए गुरु का ही ज्ञान काम आया था। माँ ने तो उन्हीं को हम कर रहा था चलो, पर चलना कहाँ है गुरु ने बताया था। और एक और लिखी थी मैंने अटल बिहारी वाजपेयी जी का, मतलब बचपन से महात्मा को उनके बारे में लिखा हुआ था, तो वो बताना चाहूँगा आप सभी को। मुस्कुराता हुआ गया हूँ, मुस्कुराता हुआ गया हूँ, कलम अपनी यहीं छोड़ गया हूँ, मुस्कुराता हुआ गया हूँ, कलम अपनी यहीं छोड़ गया हूँ, एक नया भारत तुम भी लिख लेना, इतनी स्याही छोड़ गया हूँ, इतनी स्याही छोड़ गया हूँ। एक कविता भी थी वो भी बोलना चाहूँगा। दिल में एक भूचाल एक सन्नाटा सा है, दिल में एक भूचाल एक सन्नाटा सा है, उनके जाने पर दिल इतना घबराता क्यों है। कौन थे वो मेरे, कौन थे वो मेरे, उनसे क्या नाता था, ना मुलाकात हुई कभी, फिर भी दिल पछताता क्यों है। उनके जाने का गम मुझे सताता क्यों है, उनका अटल निश्चय मुझे याद आता क्यों है, उनका अटल निश्चय मुझे याद आता क्यों है, ऐसा क्या खोया मैंने दिल बुलाता क्यों है। उनके सम्मान में तिरंगा झुक जाता क्यों है, वो विपक्ष में थे, वो विपक्ष में थे या पक्ष में, ये दिल भूल जाता क्यों है, उनका अटल निश्चय याद आता क्यों है। एक और था उनके बारे में, मतलब सही बच्चों के लिए, तो अटल बिहारी जी कहते कि इंसान बनो केवल नाम से नहीं, रूप से नहीं, शक्ल से नहीं, बल्कि हृदय से, बुद्धि से, ज्ञान से बनो। अटल बिहारी जी के पड़ोसी कहते थे उनसे कि एक हाथ से ताली नहीं बजती, तो उनको अटल जी ने जवाब दिया कि चुटकी तो बज सकती है ना। मन हार कर मैदान नहीं जीते जाते, मन हार कर मैदान नहीं जीते, मैदान नहीं जीते जाते, और ना ही मैदान जीत कर मन जीते जाते हैं। मनुष्य को चाहिए कि वह हर परिस्थिति से लड़े, और सपने एक सपने टूटे तो दूसरा करे। थैंक यू सो मच।